दोस्तों, यस बैंक का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैंक सेक्टर का यह शेयर है और पेनी स्टॉक के अंतर्गत आता है। दोस्तों, बैंक सेक्टर का शेयर 15 रुपए 95 पैसे पर स्टॉक का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है 15 रुपए 0.5% की गिरा। अच्छी खासी बढ़ोतरी स्टॉक पे देखने को मिल रही है। 0.31% का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ट्रेडिंग अच्छी खासी स्टॉक में देखने को मिल रही है। बात करें तो सप्ताह की, तो स्टॉक का जो गिरावट देखने को मिल रहा है, 8% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों। और दोस्तों, अगर बात करें तो 1.40 पैसे की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। मंथली की अगर बात करें तो एक महीने में भी यहाँ पर स्टॉक की 1.40 रुपए की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। 8% की गिरावट के साथ स्टॉक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, मोमेंटम अच्छी खासी बन सकती है। और दोस्तों, अगर बात करें ईयरली की, तो यहाँ पर स्टॉक का भारी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक का 17 रुपए से भारी ब्रेकडाउन यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिला था दोस्तों। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जिस स्टॉक का बाइंग साइड मोमेंटम बन सकता है, थोड़ी सी और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर स्टॉक 15 रुपए तक देखने को मिल रहा है, 15.60 तक आने की संभावना। स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकता है या फिर 15.30 भी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर 5 ईयर के चार्ट में, तो स्टॉक ज्यादा अच्छी खासी मोमेंटम नहीं देखने को मिल रही है। और ऑल टाइम के साथ स्टॉक की या 2017-18 से भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है दोस्तों। 346 रुपए 82 रुपए पर 2018 में शेयर की प्राइस थी यस बैंक की। और दोस्तों, यहाँ पर भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है और भारी ब्रेकडाउन के साथ स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और भी गिरावट हो सकती है। और स्टॉक का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 ईयर के चार्ट में 15.30 तक आने की संभावना स्टॉक में बन सकती है। बात करें दोस्तों टुडेज लो की, तो 15 रुपए 90 पैसे और टुडेज हाई 16 रुपए 15 पैसे देखने को मिल रहा है। 52 सप्ताह का लो 14 रुपए 40 पैसा और 52 सप्ताह का हाई 24 रुपए 75 पैसे देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।